PGIS Grind Day 2 सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंटेंस डे तुम इसे कह सकते हो। हमारी पूरी गॉडल की जो न्यू लाइनअप बनी है वो सारी की सारी सिर्फ इस दिन के लिए बनी है। क्या आज परफॉर्मेंस होगा? अगर मैचअप्स देखे जाए तो सबसे बढ़िया मैचअप ग्रुप 13 के अंदर है एक्चुअली तुम अगर देखो, और इसके बाद जो अगला ग्रुप आ रहा है ना GDR उसमें भी बहुत बढ़िया मैचअप्स है। इसमें गॉडलाइक है, तुम रिपर्स देख सकते हो, साथ में ऑटोबॉट्स भी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है अगर तुम देखो तो। क्या आज कमबैक होगा और परफॉर्मेंस आएगा, ये देखने वाली बात होगी भाई। तुम्हारा पहला इरेंगल का गेम स्टार्ट हो गया है। लगता है एक होमवर्क जो एक टर्म रहता है। डे टू मैच वन ग्रुप 13 आप कहाँ पे जाना प्रेफर करते? अगर तुम देखो तो भाई यहाँ पर चालू हो चुकी है फाइट्स, आते ही यहाँ पे रेडेक्स ऑलरेडी आते ही यहाँ पर एएसजी आकर के स्लैमिंग कर चुकी है रेडेक्स के ऊपर, बट एएसजी का एक बंदा उतरते ही नॉक हो चुका है ऐसे फिल्म में। ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे और ये लॉन्ग हाउस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है यहाँ पे। देखो रेडेक्स के पास यहाँ पे सॉलिड एडवांटेज है, कैरी यहाँ पे डीपीएस मारने का ट्राई कर रहा है लेकिन डीपीएस की एक भी गोली लग नहीं रही है। तो के पास गन गया, मैं कहता हूँ नेवर ट्रस्ट, और ये एक बार फिर से बार बार वो बुलेट्स का कनेक्शन मिस करते हुए जा रहे हैं। फ्लेमिन को ये क्या हुआ करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे वहां से रेडकिंग ने मार दिया और नॉक देखने को मिल रहा है। भाई तो रेडेक्स ने कमबैक कर लिया फुल फाइट में, इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत उन्हें डाउन करेंगे, मैजेस्टी को भी डाउन कर दिया। अरे अरे रेडेक्स ने क्या मारा है करके, रेडेक्स ने एलिमिनेट कर दिया एजी को, एग्जिट करती हुई नजर आने से एजीएम एलिमिनेटेड वेरी अर्ली गाइस। उसका स्क्वाड जाता हुआ नजर आया एक बार फिर से। एडमिनों ने क्या मारा, ये गाड़ी फूटेगी। सेवन शोर के टाइगर को आखिर रास्ते में फोड़ दिया भाई, जल्दी कन्वर्ट करना चाहेंगे कहीं और पीछे से दूसरे प्लेयर्स को भी। एडमिनों यहाँ पे और जोनाथन के साथ मिलकर दोनों पागलों वाले स्प्रे मार रहे हैं। इनके पास ये पोजीशन है, इनके पास बहुत सॉलिड पोजीशन है, इंतजार है उस कन्वर्जन का, उस कैपिटलाइज वो तो फिनिश होगा, वो तो बचना पॉसिबल ही नहीं है उसका। तो निकलते हैं यहाँ से कर रहे हैं, चलिए एक बार ओके यहाँ पे अब साथ में यहाँ पर आरपीएस से डिसाइड किया हम लोग जाके यू नो राइजन पे घुसने वाले, ढूंढने की कोशिश कर रहे फुल 4v4 की फाइट है यहाँ पे। ऑक्सीन यहाँ पे डीपीएस लेकर के राइट साइड से एलिमिनेटेड, यही मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे एलिमिनेटेड अपने करना भैया स्कैम हो गया। तो थोड़ा सा कई बार डिफेंड करना आसान नहीं होता है, बट इसी भी सेवन शोर के आरू यहाँ पे रेडेक्स यहाँ पे वापस से स्लैम। भाई रेडेक्स कितनी फाइट लेगी, भाई रेडेक्स तो अभी अभी आई है आकर के सेकंड फाइट में ऑलरेडी घुस गई अपनी। फिलहाल टीम जीरो के अगेंस्ट यहाँ पर अब आप देखे तो बट आई डोंट थिंक वहां से रेडेक्स बचने वाली जिंदा है, मेरे को लग नहीं रहा भाई। यश की बात करें ये कहीं नहीं जाने वाले भाई, रेडेक्स एलिमिनेटेड, रेडेक्स सेकंड फाइट में एलिमिनेट हो गए। ग्रेनेड का चार किल्स बेहतरीन उपयोग किया, वहीं बहुत अग्रेसिव थे रेडेक्स, बहुत अग्रेसिव थे ब्रॉलर्स के अगेंस्ट, झूठ भी नहीं कह रहा हूं। एंड क्या ब्रॉलर्स का एलिमिनेशन यहां पे, ऑटोबॉट्स नॉक्स देखे थे यार, ऑटोबॉट्स बहुत सॉलिड कंटेंडर है, ऑटोबॉट्स एलिमिनेट ना हो जाए यहां पर, ऑटोबॉट्स एलिमिनेटेड। और यहां पे ऑटोबॉट्स को भी इजीली करती हुई नजर आई, बट 2v4b गॉडलाइक से एक नॉक इनकर किया था, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, सेफ झूठ भी नहीं है। और अब ऑटोबॉट्स को शट डाउन कर दिया इस टीम ने, बट आप देखिए वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। रोटेशन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट, टीम गॉडलाइक तो रेड जोन बना देंगे, फोड़ दिया, एक ग्रेनेड में फोड़ दिया, कंट्रोल में आ सकता है, और एक ग्रेनेड एलिमिनेट कर दिया गया। कोशिश काफी बेहतर लेकिन वो जो रीसेट का टाइम डिमांड कर रहे आरपीएस के प्रोटॉन देने से गाड़ी लेकर के फुल घूम रहे, गाड़ी लेकर है ना फुल पार्टी में वो। रिपर्स के कर्स जॉट के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर, प्रोटॉन भी एक अलग फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन सामने की तरफ ऑटोबॉट्स एलिमिनेटेड, जैसे कि तुम्हें पता चली है बहुत जल्दी हुई है। ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे, ये प्रोटॉन यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं भाई, क्या प्रोटॉन यहाँ पे क्लच कर पाएगा पूरी लाइनअप को देखो। प्रोटॉन ओपन है, चारों तरफ से स्प्रे आएंगे प्रोटॉन पे, डाउन कर दिया जाएगा प्रोटॉन को भी पता ही नहीं, बट बहुत ओपन में बहुत गंदा स्प्रे पड़ेगा, 1 HP ऑलरेडी हो, लेकिन एलिमिनेटेड मॉली अकेले खिलाड़ी को डील कर लेते हैं, प्रोटोन ने मॉली मार दी भाई, नहीं किया जा सकता। बट जेली अब यहाँ पर दूर से देखो ओपन को नॉक करा है, टू वे कंफर्मेशन भी आएगा जेली का, इनके 6 फिनिशेस है, अच्छे फिनिशेस है, टॉप 5 में इजीली, अच्छा पोजीशन यहाँ पर। बट क्या यहाँ पे जीएल भाई शेड यहाँ पे क्या 1v2 कर पाएगा, सपोर्ट की जरूरत है इन्हें, लेकिन अभी भी ये कवर के अगेंस्ट 1v1 की फाइट निकल के आती है, क्लोज कर शेड दे के मार दिया, चलिए शेड को कंफर्मेशन मिलेगा, फिनिशिंग शेड के खाते में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी इनके साथ, अगर तुम देखो गॉर्डन यहाँ पे क्या रिज में रुकी हुई है, और आई गेस इनका लेके जा सकती है ये टीम, लेकिन सर्कल में आना वो चैलेंज है, जैसे ही वो आगे बढ़े दो बंदे सर्कल के एंड पे ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है पोजीशन, पता है थ्रो यहाँ पे किया गया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, इन्होंने अपनी बैटल को यहाँ पे जीता और उसके बाद वो ग्रेनेड आसान सा और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकालने में कामयाब हुए। अभी तो चार स्थान में चले, वो तो हमें पता है, टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स 21 पॉइंट्स के साथ आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, मुझे लगा नहीं था इतना इजीली चिकन डिनर ले जाएंगे, बट लिटरली गॉडलाइक डोमिनेट कर रहा है तुम देखो तो भाई। और सेकंड मैच यहां पे चालू हो गया, रेडेक्स वापस अर्ली फाइट, रेडेक्स आप पहले क्यों लड़ रहे हो इतना, यूएमपी के साथ वो पहला नॉक निकाल जाएगा, एक बंदे को फिनिश करा भी कर दिया गया, वापस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं इनको, साउथ कैन फिनिश निकाले, और आप देखिए कितना बहुत अग्रेसिव टीम है, मतलब आते ही लड़ लेती है, पोजीशन करते हुए नजर आएंगे भाई
खिलाड़ी को नॉक किया गया है। मुपन की बात करें वो काफी आसानी से इस क्लच को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं बस देखना चाहता हूं कि वो जो बाकी के प्लेयर फ्री फायर मार रहे हैं जल्दी क्या मुपन यहां पे अकेले मारेगा उठाकर के डीपीएस वो नॉक निकाल सकते थे। डैमेज बहुत ज्यादा दिया डीपीएस ने मुपन को मारा सिक्योर किया जाएगा। बट आई थिंक सो यहां पे जीएलए की लाइनअप को ये चीज पसंद नहीं आई। वो अपने टीममेट का बदला लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा मेरे टीममेट को मार के मेरा इंतकाम देखोगे। लेट्स गो बॉय। रेड एक्स वापस फंस चुकी है। उतनी एचपी देखने को मिल रही है। अरे अरे फॉक्सी ने नेट पुल करा है। किंग वन एचपी है वो भी तो मारेगा इसे। लेट्स गो मल्टीपल बढ़िया मार रहा है। लेकिन आखिरकार कनेक्शन मिलेगा और उसके बाद एलिमिनेटेड। बहुत जल्दी एलिमिनेट हुई रेड एक्स वापस से। मानसिकता वो बना ली। सबसे पहली टीम एलिमिनेट हुई है। बीच यहां पे जेली फिनिश हो रहा है। कहीं पे नॉक आउट पड़े क्या स्कैम है? जो रोटेशन का एक पॉइंट होता है वहां पे शायद हमें फर्स्ट जेली तो नहीं बचेगा यार। और एक ऐसे हालात जेली तो बहुत ओपन में नॉक आउट है। उन्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल और मुझे लगता है कि वे निकले थे क्योंकि आप देखिए तीन खिलाड़ी वहां एडमिनो शायद से जेली को बचाने का ट्राई करेगा कि नहीं आई डोंट नो। बट वो अपने रोल जोनाथन नहीं आ सकता। ऑक्सिन को देख ले बढ़िया स्प्रे मार रहा है बंदा। 1 एचपी बच गया। दूर होने के बाद भी जो कनेक्शन है वो लाजवाब। अब टीम गॉडलाइक का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट जेली आईजीएल नहीं है टीम में तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट और भी और एक मैन भी डाउन है। इन पे स्प्रे पड़ रहा है। गॉडल का मसला बहुत ऑटोबॉट तुम्हारे पीछे पड़ गए। आई मीन वो सर्कल के बाहर से रोटेशन कर रहे ऑटोबॉट सर्कल के। जोनाथन को नॉक कर दिया ऑलरेडी। भाई ऑटोबॉट की रिको ने का टारगेट है कि उनको सर्कल ना अंदर आने दिया जाए। भाई ऑटोबॉट बहुत बाप टीम है यार। एक और खिलाड़ी का वहां पे हमें और लोग बहुत बाप प्लेयर है। वो बहुत गंदा मारते हैं। आप देखिए जीएलए ए भी यहां पे फाइट के तरफ उन्होंने देखो क्या जोन पकड़ा है। टॉक्सिक को भी टेक डाउन जोन में आ चुके। बाकी प्लेयर रोटेट करके आ रहे हैं। जोनाथन फिनिश हो जाएगा ऑफ कोर्स। हो गया होगा। और प्लेयर को यशुन को थोड़ा डैमेज दिया गया बट उतना काफी होगा नहीं। सिंप अकेला बचा है की बात करें एडमिनो और सिंप अब मात्र दो ही खिलाड़ी बचते हैं। एडमिनो आई डोंट नो किधर है। वो जोन के बाहर है एडमिनो तो। सिंप अकेला यहां पे बैठा हुआ है। गॉडलाइक का पहुंच पाना लगभग असंभव ही रहने वाला। भाई सिंप नहीं बचेगा। आई डोंट थिंक सो। दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ओपन में देखिए सिंप आउट ऑलरेडी। सिंप को और जो एडमिनो गाड़ी लेके आ रहे हैं। बट क्या एडमिनो गाड़ी में बच पाएगा? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो अकेले आगे जा रहे हैं। स्क्वाड के ऊपर से गाड़ी लेके जा रहे हैं। डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। बहुत कम एचपी और ये लीजिए चलते चलते ही ऑटोबॉट ने तीनों खिलाड़ियों को डाउन किया और इसी के साथ टीम गॉडलाइक एक बट पहला मैच इनका बहुत अच्छा था। देखो आई मीन एक भी फर्स्ट एड वहां पे दे आर स्टिल इन अ गुड पोजीशन। इसका मतलब ओवरऑल स्टैंडिंग्स अगर हम कैलकुलेट करने बैठे अभी भी तो बट ऑटोबॉट्स यहां पर आरपीएस में फुल कर रही है क्लोज इन। बट ऑटोबॉट्स और डोमिनेटिंग गेम प्ले भाई इनका ये तो फुल एग्रेसिव घुस रहे भाई। गाड़ी वाड़ी पे से चढ़ के आ रहा है और दो किसी प्लेयर को नॉक कर सकते हो। उसका भैया आप तो घुस के आऊंगा मैं। आप तो मार के आऊंगा। आप तो बहुत हो गया। आरपीएस के ऊपर फुल क्लोज इन करके आरपीएस एलिमिनेटेड। ऑटोबॉट्स से क्या मारा है और काफी आसानी से वो जो फिनिशेस हैं वो अपने खाते तो ऑटोबॉट्स यहाँ पर दिखाते हुए वाई दे आर लेकिन पीछे सो से भी गुड। एक और टीम आ जाएगी जो ऑटोबॉट्स के ऊपर एक स्क्वाड ने डिसाइड किया कि थर्ड पार्टी करेंगे। देखना ये बट सीरवी ने उसका वो राइज हमें देखने को मिलेगा। एक बंदे को नॉक करा और उसका ट्रेड ऑफ मिल गया ऑन द स्पॉट। साइपल की बात करें इसको भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया। ये लोग थर्ड पार्टी करने आए थे। इनकी खुद की पार्टी ले ली भाई ऑटोबॉट्स ने। जिनके कंधों पे सबसे पार्टी तो इन्हें लेनी थी लेकिन लोगों ने ऑटोबॉट्स ने कहा हम पार्टी नहीं देंगे बाबू भैया तुम दोगे पार्टी हमें। नजर आएंगे साइपर वो भी आगे जाते हुए आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है लेकिन ऑटोबॉट्स का बंदा भाई उसके मार के चला गया। ज्यादा है और उनको भी टेक डाउन। इन लोगों ने थर्ड पार्टी किया लेकिन कर नहीं पाए ढंग से। वो 10 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पांच पे ऑटोबॉट्स को इतने फिनिशेस इधर ही मिल गए और ये टीम अभी इन्होंने इधर ही मार दी। एक बहुत स्ट्रांग चैलेंज देती हुई बाकी सभी ओपोनेंट्स को। कामयाब अभी तक तो हुए लेकिन उनके भी एक खिलाड़ी सीर भी एलिमिनेट हो गया यार। रिको के पास रिको यहां पर से तो एक फाइनल की तीन टीम बची है। ये मुकाबला तो मैं मान के चल रहा हूं। ऑटोबॉट्स हमें आता और कौन मिलेगा? स्टर लॉबस्टर आईएनडी का लॉबस्टर बाहर बैठ करके थर्ड पार्टी कर रहा है। यहां पे भी खिलाड़ी मौजूद हो सकता है। लॉबस्टर गेम चेंज कर सकता है आसानी से। वो पहला लॉबस्टर की पोजीशन ऐसी है ना पूरा गेम चेंज कर देगा। जा रहे बट एक बढ़िया ऑर्लो ने शायद से पीछे मार दिया उसे। ऑर्लो के द्वारा ऑर्लो तो रैम्पेज मोड पे ऑलरेडी जा चुके हैं। कितने फिनिशर्स खिलाड़ी ने निकाले हैं और अब देखना ये कि ट्रॉय तमिलियन ईस्पोर्ट्स क्या रिको का रिवाइव मिलेगा। आई डोंट नो आई डोंट थिंक सो। मुश्किल लग रहा है अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओपन में है रिको और ये इसकी पोजीशन में फंस गए। आईएनडी का ये बंदा कितना बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है भाई। दूसरे खिलाड़ी से पहले उन्हें इस मुकाबले से बाहर करेंगे लेकिन क्या ये इतना नुकसान दे के गए कि ऑटोबॉट्स लगभग उस चिकन डिनर के आसपास पहुंचे। वो मैच जीतेंगे उसके बाद आप देखेंगे भाई ऑर्लो 1v1 ले गया को फिर से डाउन करने में 1v1 कर दिया ऑर्लो ने। सिचुएशन अब 1v1 की जी हां बहुत ज्यादा अकेले मार रहा है भाई पूरा सर्वर को डाल रहे और ये एक रिकॉर्ड होगा जो ऑर्लो बनाते हुए नजर आएंगे। हाईएस्ट फिनिशेस का 8 किल ऑलरेडी है खिलाड़ी को फिनिश
करेंगे तुम देखो भाई स्टैंडिंग तो ऑटोबॉट्स 28 पॉइंट्स के साथ बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया उन्होंने। ट्रॉय सेकंड पर आई 13 पॉइंट्स के साथ। देख रहे हो पोजीशनिंग पॉइंट्स तुम्हें देख के पता चल जाएगा भाई कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। पोजीशनिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं फर्स्ट के बाद। 10 के बाद डायरेक्ट 6 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ है भाई। गॉडल 14 0 पॉइंट्स। अरे यार अब यहां पर तीसरा मैच इस ग्रुप का चालू हो गया और टीम जीरो वापस से आ रहे हैं। टीम जीरो और रेड एक्स बहुत जल्दी लड़ते हैं लोग, बट गॉड्स को बाहर किया गया है और अभी भी ये तो बहुत जल्दी फाइट होगी रे, इनकी उतरती ही हो रही है। बिचारों पे लूट भी नहीं है, एकदम ड्रॉप क्लैश हुआ गलत लेवल का। देखो अर्ली फाइट लेना हमेशा ही कोई भी टूर्नामेंट में किसी को पसंद नहीं होती यार। नोबडी वांट्स टू टेक इट, बट हो जाती है तब भी क्या करें। जवाबी कार्रवाई तो क्योंकि कोई भी टीम एलिमिनेट हो सकती है ना। गोकू ओपी फिनिश हो गया, बताओ काइंड ऑफ इवन स्टीवन हो चुका है। 3v3 3v3 का बैटल हो गया यहाँ पर। डैमेज पड़ा है जार्को, ये शॉट्स कनेक्ट हुए हैं मारियो के द्वारा। और अभी देखिए सबसे मारियो की पोजीशन थोड़ी सी सही नहीं लग रही मेरे को, बट यहाँ पर नजर आते हुए और नियो इज एलिमिनेटेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। जार्क उसे फिनिश करने जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं जार्क उसको मार के आएगा। जार्क भी लाइक मैं मार के आऊंगा, मुझे चाहिए ये किल। तीसरे प्लेयर को देखिए वो व्हीकल लेकर के क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल से चले गए हैं और साथ ही साथ मारियो उनको पता था कि जार्क वहां पर आएंगे, वो पीक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और क्या बढ़िया जो पलटवार है वो हमें देखना। अगर तुम्हें पता ना हो पहले भी जार्क एलिमिनेट हो गए टीम चेजर्स को। यहाँ पर 3v1 की सिचुएशन है, उनको जरूरत है वो पीछे से बंदा कितना एक और फायर दे पाएगा। 3v1 हो गए तो यहाँ पर देखते हुए रेकर को अभी के लिए तो रेक कर दिया गया है। चलिए टीम जीरो यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज क्रिएट करती हुई फ्लाना चाहते हैं वहाँ पे रिस्क वो ले रहे हैं। का बहुत लंबा फ्लाइंग था, उतना फ्लाइंग बेनिफिट हुआ नहीं इनको जितना इन्हें लग रहा था। सीधा जार्क को कंफर्म करने के लिए बढ़ेंगे। फ्लेमी के चक्कर में रश हो गया पता पूरी टीम पे, बट अब यहाँ पे फ्लेमी में भी रश हो सकता है क्योंकि 2v3 की फाइट है। देखिए नेड आने वाले भाई, नेड आने वाले टीम जीरो के शॉट दी दिए और फ्लेमी देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। जार्क 1 HP है, हेल्थ किट भी नहीं है, वो फाइट लेने के लिए आए हैं। अब ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जो डेस्परेट मूव है वो देखने को मिल रहा है। बहुत एग्रेसिव खेल रही है यार टीम, हर टीम ब्रॉलर ये काफी एंबिशियस फाइट चलती हुई है। सामने की तरफ फ्लेमी जाएंगे, अरे फ्लेमी नॉट, जार्क 1 HP है, 3v1 की फाइट है, एलिमिनेटेड। तो चलिए बहुत जल्दी एलिमिनेटेड स्क्वाड, अब ये भी रोटेट करता हुआ नजर, बहुत जल्दी एलिमिनेट हुई है उनका डैमेज लिया। एंड आई गेस वो फाइट टेंस ले नहीं पाए ऑनेस्टली, बाकी सब ठीक था बट फाइट अच्छे से ले नहीं पाए। यहां पे गॉर्डन की लाइनअप आ चुकी है। अब जोनाथन ने वहां पे फायदा उठाया, गॉर्डन कभी भी स्टूपिड फाइट्स ही लेती है, दे ट्राई टू लूट प्रॉपर्ली और फिर अच्छे से रोटेशन काट के लोगों का अच्छे किल्स करती है। अग्रेसिव नजर आती है, कभी भी ड्रॉप क्लैश इनका शायद ही होता है। जीवन के बचे हुए खिलाड़ी जीवन के अगेंस्ट फाइट निकल के आती है। जोनाथन यहां पर ओपन में दूर रुका है एंगल बनाने के लिए, दूर से स्प्रे मारने के लिए जीवन के बंदे पे, पेड़ किल तो जाएगा यहां पे, पेड़ों पत्थरों के पीछे रिवाइव दे रहा है। उसे मिला था लेकिन जेली गाड़ी लेके मस्त घूमता है, जेली तुम्हें पता है वो गाड़ी लेके मस्त पार्टी में निकलता है। अब इन्फो मिल चुकी है घूमता है, जेली रोकना चाहेंगे गाड़ी लेकिन ये उड़ा दिया गाड़ी से करण। करण के पास मौका था, उन्होंने गन शॉट्स भी नहीं लिए वहाँ पे, अरे सिम देखने को मिला यहाँ पे। जी हाँ, और अब एक एक करके जो प्लेयर्स है उनको डाउन किया जाएगा। जीवन के मात्र एक खिलाड़ी बचते और वो भी वो है जो ऑलरेडी भागने का ट्राई कर रहा है और सिम उसका पीछा कर रहा है। एडमिन और सिम का जो कॉम्बिनेशन आया है ना भाई, उनके पास और डोमिनेटिंग बचेगा नहीं, ये जोन में भाग रहा है, बच जाएगा जरूर है। और देखना ये है कि क्या अच्छा डिसीजन है भाई, क्योंकि देखो पोजीशनिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो आई जाएंगे, हालांकि पोजीशनिंग पॉइंट्स उतने हैं नहीं लेकिन इस बार कनेक्शन आएगा नहीं और आपके बराबर ही है वो आगे बढ़ते हुए ग्रेनेड के साथ। काफी अच्छा खासा स्प्लैश डैमेज रिपर से एलिमिनेट हो चुकी है। ऑटोबॉट्स यहां पर आ चुके हैं भाई, ऑटोबॉट्स पिछले गेम का चिकन डिनर ले जा चुकी है वाली टीम रिको के खाते में। क्या ऑटोबॉट्स यहां पर बैक टू बैक चिकन डिनर ले जाएंगे, ये देखने वाली चीज है। ग्रेनेड्स का प्रयोग करते हुए इसी बीच ऑटोबॉट्स और गॉडल ये दोनों बहुत डोमिनेटिंग टीम है, लेकिन एक बंदे को मारा रिको ने। रिको अब तक 3 फिनिशेस खाते में, चौथे की तैयारी हो चुकी है, चौथा फिनिश भी काफी हद तक मुझे लगता है आ ही जाएगा। लेकिन ये ग्रेनेड खतरनाक एचपी लॉस हुआ वहां पे, स्प्लैश तो अच्छा होल्ड कर रहा है और वो नॉक आउट है। उनको पता है कि सामने भाई ऑटोबॉट्स की दिक्कत ना हो जाए, सीवी जोन के बाहर है, स्क्रिल जोन के अंदर है और वो नॉक आउट है, वहां पे डाउन किया गया। कुछ भी हो सकता है, ऑटोबॉट्स की दिक्कत हो सकती है, रिको शायद से और को ड्राइव दे देगा बल्कि वो हिट करे। जी नहीं, हिट वो उतना बेहतर करेगा नहीं। और स्क्रिलिक्स की जो पिछले दो मुकाबले जीएलए के बहुत अच्छे गए हैं, ये गॉर्डन ऊपर से मार के थर्ड पार्टी ना कर दे जीएलए को। अरे नहीं, ऑटोबॉट्स ने मूविंग कर दिया, ऊपर एक बंदे को नॉक करे, ऊपर ने डाउन किया तुरंत, दो बंदे को नॉक करे ऊपर ओपी भाई, बट पीछे से कवर फायर में ऊपर को उड़ाया हुए हैं। ऑटोबॉट बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई नजर आ रही है, सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इवन स्टीवन हमें देखने को मिल रही है। ओपन का एक बहुत बढ़िया एफर्ट देखने को मिला, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतर आई यहां पर, क्या मारा फॉक्सी ने उड़ करके आसमान में डीवीएस भी हमें देखने को मिलेगा। फॉक्सी वो इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे और अब एक सीवी वर्सेस फॉक्सी कौन जीतेगा में आ रहे हैं, उनके पास भी डीबीएस है, डीबीएस वर्सेस डीबीएस, बट फॉक्सी क्या बेहतरीन टाइमिंग हमें देखने को मिलती हुई, उड़ते हुए सीवी को सीधे लॉबी पहुंचाया।
ऑटोबॉट्स इस मुकाबले में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं, बट जीएलए फिनिशेस एक बार फिर से लेके जाते हैं। यहाँ पे गॉडल अभी भी डोमिनेट कर रही है, तो लेकिन अभी के लिए अगर गॉडल ये गेम करे तो अच्छा परफॉर्मेंस देके जीत जाती है तो बहुत अच्छा सॉलिड चांस है। ये लोग ओवरऑल स्टैंडिंग में फर्स्ट आने वाले हैं। ये भी तीन खिलाड़ी मौजूद है, जेली जोन में आगे रोटेट करके बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत सॉलिड रोटेशन होती है भाई, मतलब बाप लेवल का रोटेशन करवाते हैं, काफी अच्छी चीज है। अच्छा आईजीएल है, लेकिन जोनाथन की गाड़ी फोड़ दी है, वो रश करेंगे, उन्हें पता है अभी नहीं घुसे तो कभी घुस नहीं पाएंगे, अभी एंट्री लेने का टाइम है। लॉक मिलता हुआ, लेकिन अब क्या गॉडल वर्सेस फायदा उठा पाएंगे, करेंगे लेकिन पीछे से एक लेकिन एडमिनो ने यहाँ पर मारा है उठा करके, एडमिनो ने दोनों प्लेयर ले गया भाई, एडमिनो 8 फिनिशेस के साथ पूरे के लिए 14 तोड़ रहा है भाई। टीम गॉडलाइक के जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, देखना ये कि चिकन डिनर क्या वो उनके पास जाएगा, लेकिन जोन का ये शिफ्ट वो मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब एक 3v3 की जो फाइनल बैटल है वो हमें देखने को मिलने वाली है, टीम जीरो ऑलरेडी टीम जीरो वर्सेस गॉडल, बट गॉडल जोन के बाहर टीम जीरो पर एडवांटेज है, एडमिनो ओपन में है, एडमिनो नहीं बचेगा, एडमिनो नॉक्ड आउट भी डाउन किया जाएगा, बट फाइनली पलटवार आएगा मारियो नॉक्ड आउट। ओके यश अभी तक 1v2 की वे सिचुएशन, बट नियो वो रिवाइवल को एग्जीक्यूट करते हुए मारियो को रिवाइव नहीं मिलेगा, जोनाथन 100% ये मेक श्योर कर रहा है कि मारियो को रिवाइव ना मिले, प्रेशर बना रहा है, लेट स्पाइक फेंक के फ्लैश डैमेज जरूर दिया यहाँ पे, टीम जीरो का जोन काट देंगे, ग्रेनेड लीथल साबित नहीं हुआ है। दो खिलाड़ी सामने की तरफ, जोनाथन भाई जेली का नहीं, एंबिशियस अप्रोच, भाई 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 रेड जोन बनने वाला है, यश पे का ये ग्रिम, यश पे मौली लग गई है, यश लेकिन अब फिर भी वन मॉडल 27 पॉइंट के साथ शैनॉक पॉइंट को यहां पे जीत चुकी है, बहुत अच्छे डोमिनेशन के साथ इन्होंने जीता है। अब कह सकते ऑटोबॉट्स फोर्थ आई है, तो अगर तुम्हें ओवरऑल स्टैंडिंग तुम्हें ऑलमोस्ट पता ना चल गई हो तो हाँ भी दिखा भी देंगे, जीएलए थर्ड आई थी उनके पास भी हमें देखने को मिल जाएंगे। गॉडल ने अच्छा खेला यार, तुम ऑब्वियसली तुम्हें पता चल गया भाई, एडमिनो और सिम का जो एडिशन हुआ है उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा है। अब ओवरऑल स्टैंडिंग फिनिशेस उन्होंने टोटल निकाले हैं 48 पॉइंट्स के साथ, गॉडल उनका भी बढ़िया गेम टॉप पर आते हुए, सेकंड पे ऑटोबॉट्स 37 पॉइंट्स करते हुए नजर आए, जीएलए ईस्पोर्ट्स लिटरली इन बंदों ने पूरा गन गेम पे जीते, ये लोग जितने भी फाइट जीते भाई लिटरली गन गेम मारा है और उठा के पागलों वाला फिनिशेस वो निकाल 35 पॉइंट्स आरटीजी फोर्थ पे देख रहे हो, पहली तीन टीम के अच्छे पॉइंट्स है, फोर्थ के बाद बहुत ज्यादा डिक्रीज है। नीचे कमेंट सेक्शन में आना, क्या तुम लोग गॉडल की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो कि नहीं, एंड तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो भी बताना मत भूलना। मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड पीस आउट।